हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर वेल। दोस्तों, इस प्रोडक्ट को देख के बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या है, यानी टोनर है, क्लेंजर है, मॉइस्चराइजर है, क्योंकि इसमें लिखा भी है ऐसा। इसमें लिखा है डाबर गुलाबरी रोज़ ग्लो फेस क्लीनर, फेस क्लेंजर 3 in 1, क्लींजेस मॉइस्चराइज रिफ्रेश। यानी कि इसमें लिखा है, वैसे तो फेस क्लेंजर लिखा है, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसको एज ए टोनर यूज़ करें या फिर एज ए मेकअप रिमूवर यूज़ करें ये फिर, या मॉइस्चराइजर। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर वेल। दोस्तों, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस फेस क्लेंजर या इस डाबर गुलाबरी के फेस क्लेंजर के का रिव्यू, इसकी सारी डिटेल। इसके बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसको यूज़ किस प्रकार करना है, एज ए टोनर के तरीके चेहरे में लगा रहने दें या फिर एज ए मेकअप रिमूवर के तरीके इसको यूज़ करना है या फिर ये एक मॉइस्चराइजर है। इससे रिलेटेड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ उसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ उसे मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसे आप देख सकते हो, इस टाइप की इसकी पैकेजिंग है, जिसको आप इस टाइप की इसकी पैकेजिंग है। इसमें लिखा है डाबर गुलाबरी रोज़ ग्लो फेस क्लेंजर 3 in 1 क्लींजेस मॉइस्चराइज रिफ्रेश। यानी कि डाबर गुलाबरी का रोज़ ग्लो के साथ में जो आता है फेस क्लेंजर है, यानी कि ये फेस को क्लीन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें लिखा भी है 3 in 1, यानी कि इसके ये है तो एक, लेकिन इसके 3 काम है, यानी आपके चेहरे को क्लीन करता है, साफ़ करता है। अगर इसकी प्राइस की, तो इसका प्राइस है ₹85। इसकी शेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स एज यूजल, लेकिन डिपेंड करता है कि आप इसको किस प्रकार यूज़ करते हो। 100 ml इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी, ये मैंने मीडियम पैकेजिंग ली। इसमें बड़ी पैकेजिंग एंड छोटी पैकेजिंग भी आती है। अब हम बात करते हैं ये क्या है। दोस्तों, ये एक मेकअप को साफ करने के लिए बनाया हुआ फेस क्लेंजर, जैसे कि क्लींजिंग मिल्क आते हैं चेहरे को साफ़ करने के लिए, मेकअप को साफ़ करने के लिए, वैसे आप इसको क्लींजिंग वाटर कह सकते हो। यानी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सट्रैक्ट है वो रोज़ वाटर का है, रोज़ का है, लेकिन ये एक आप इसको मिस्ट कह सकते हो, या फिर जिस प्रकार मेकअप को हटाने के लिए, मेकअप को रिमूव करने के लिए, धूल मिट्टी गंदगी को हटाने के लिए, जैसे कि मिसलर वाटर आते हैं अलग अलग ब्रांड के, बहुत सारे महंगे भी आते हैं, नॉर्मल भी आते हैं, वैसे आप इसको दूसरे शब्दों में मिसलर वाटर भी कह सकते हो। तो उसके बाद आपको इसको एज ए रोज़ वाटर की तरीके यूज़ नहीं करना है, यानी इसको यूज़ किस प्रकार करना वो भी मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, रोज़ वाटर क्या होता है, एज ए टोनर यूज़ कर सकते हैं। जो टोनर होते हैं उनको हम अपने चेहरे में लगा के छोड़ देते हैं, उनको चेहरे में छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का केमिकल वगैरह नहीं होता है। रोज़ वाटर प्योर फॉर्म में रोज़ वाटर होता है, उसका कोई नुकसान नहीं होता, उसको चेहरे में छोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो है इसमें रोज़ वाटर का एक्सट्रैक्ट है, इसके साथ ही साथ कुछ बहुत केमिकल एंड दूसरी चीज़ें भी हैं। उसके साथ ही साथ इसमें थोड़ा बहुत झाग भी है, जैसे कि आप देख सकते हो, इसको यूज़ करने के पहले आप हिलाओगे तो झाग भी आ जाता है, देखिए फॉर्म टाइप का। इसके बाद तो इसको हम एज ए क्लेंजर यूज़ करेंगे। आप आपको कभी भी आप इसको मेकअप को हटाने के लिए, गंदगी को हटाने के लिए, धूल मिट्टी को हटाने के लिए आप इसको एज ए क्लेंजर यूज़ करोगे। इसको आप एज ए टोनर नहीं यूज़ कर सकते हो, चेहरे में इसको लगा के नहीं छोड़ सकते हो, जबकि हम रोज़ वाटर को या किसी भी टोनर को चेहरे में लगा के छोड़ सकते हैं। इसमें मॉइस्चराइज़र इस वजह से लिखा है कि इसको हम अप्लाई करने के बाद ये हमारे स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, क्योंकि रोज़ वाटर इसमें यूज़ हुआ है। रोज़ वाटर हमारी स्किन को ऑफकोर्स मॉइस्चराइज करता है, स्किन इसके अलावा रोज़ जो होता है हमारी स्किन को रिफ्रेशिंग का भी इफ़ेक्ट देता है। इसी वजह से ये चीज़ इसमें लिखी भी है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। अब बात करते हैं इसको यूज़ किस प्रकार से करना है। तो आप इसको दो प्रकार से यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट तरीका जो है, आपको इस प्रकार लेना है एंड इसको इस टाइप से प्रेस करते हुए, इसका ये जो नॉक है ये ख़राब हो गया है, तो जिसकी वजह से पानी नहीं निकल रहा, लेकिन आपको ऐसे स्प्रे करना है पूरे चेहरे में, थप थप करके आपको कॉटन से पूरे चेहरे में रगड़ते हुए मेकअप को हटा देना है। इसके बाद आपको मेकअप रिमूव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मेकअप है तो आप इसको दो बार स्प्रे करके मेकअप को कॉटन की सहायता से या फिर मेकअप को हटाने वाले वाइप से हटा सकते हो। सेकेंड जो तरीका है वो है, आपको इस कॉटन लेना है, से इसके अमाउंट डालें, उसके बाद पूरे चेहरे में अप्लाई करें, उसके बाद मेकअप को हटा दें। तो आप बेसिकली इसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हो। एंड बात करते हैं, इसको मेल एंड फीमेल दोनों लोग यूज़ कर सकते हैं। मेल्स के मेकअप वगैरह नहीं होता है, लेकिन तब भी बाहर से जब हम आते हैं तो धूल मिट्टी गंदगी वगैरह होती है, तो उसको अपने चेहरे को साफ़ करने के लिए एज ए क्लेंजर यूज़ कर सकते हो। तो आप, आई होप आप समझ गए होंगे कि ये एक मेकअप क्लीनर है, आपकी स्किन को क्लीन करता है, धूल मिट्टी को हटाता है, ये एक टोनर नहीं है। इसको आपको टोनर के तरीके चेहरे में लगा के छोड़ना नहीं है, इसको यूज़ करने के बाद चेहरे को वॉश भी करना है।
तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो, मेरा इसके बारे में जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टिल देन टेक केयर।